मॉर्निंग चलन आज हम पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन, इसकी लेखिका है कृष्णा सोपति। पहले थोड़ी सी पाठ की रूपरेखा समझ लीजिए। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें कई पीढ़ियों से नान अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों एवं स्वभाव का शब्दों के माध्यम से वर्णन किया गया है। मियां नसीरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपने परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं। जैसे ये रोटी बनाना एक कला हो, आर्ट हो, और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविक रूप में असली हुनर मानते हैं। हुनर कहते हैं कौशल को, कला को। मियां नसीरुद्दीन से लेखिका की मुलाकात एक पत्रकार की हैसियत से हुई, मतलब लेखिका पत्रकार की हैसियत से उनसे जाकर मिली। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। वहाँ से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सा आटा गूंथते हुए देखकर सोचा, शायद सेवैयाँ की तैयारी होगी। सेवैयाँ बनती है ना मीठी, उसकी तैयारियाँ होगी शायद। पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियाँ बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले वह 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने में माहिर जो उस्ताद थे, मतलब इसमें बनाने में मियां नसीरुद्दीन नान बाई की दुकान थी। नान बाई कहते हैं रोटियाँ बनाने की, जो रोटियाँ बनाकर बेचते हैं उनको कहते हैं नान बाई। मियां अंदर ही चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे, मतलब बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी, साफ उनके चेहरे पर झलक रहा था कि उन्हें बहुत तजुर्बा है रोटियाँ बनाने का, और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। तो मियां नसीरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। लेखिका द्वारा ये पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहाँ से सीखा, पर वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते हैं, मतलब लेखिका को बताते हैं कि नान बाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है, मतलब पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये हमारा रिवाज चला आ रहा है रोटियाँ बनाने का। और उन्होंने ये कार्य अपने पिता मियाँ बरकत शाही से सीखा, वही उनके गुरु थे। मियाँ नसीरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद माने पिता मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले नान भाई के नाम से मशहूर थे। गढ़ैया एक मोहल्ला था, तो गढ़ैया वाले नान भाई के नाम से मशहूर थे उनके पिता मियाँ बरकत शाही, तथा उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नान भाई थे। नान भाई का मतलब मैंने बता दिया आपको, जो रोटियां बनाकर बेचते हैं। लेखिका के द्वारा मियाँ नसीरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। यदि कोई कला सीखनी हो तो उसके लिए सच्ची लगन और मेहनत का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे पढ़ाई में अदीब से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है, अदीब कहते हैं फारसी लिपि के जो वर्ग होते हैं, फारसी लिपि होती है ना उसके जो वर्ग होते हैं उन्हें कहते हैं अलिफ। तो उन्होंने बताया जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों मतलब ऊंची कक्षाओं में पहुंचा जाता है, कच्ची पक्की पहले ऐसे बोला जाता था, वह
ऐसे ही होना, मेरे LKG होती है, UKG होती है, तब बच्चा आगे मन में आता है ना, तो कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, मतलब ऊंची कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। कोई भी कला सीखनी हो तो उसके लिए छोटे से छोटे काम को पहले खुद करना पड़ता है। छोटे काम करके ही फिर वे बड़े कामों की तरफ बढ़ते हैं। मियाँ अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने मतलब आग देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की इस कला को सीखा था। वे आगे बताते हैं कि वे अपने पिता की इस दुकान पर भी सीधे आकर नहीं बैठते थे अभी तो मैंने, बल्कि इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था, जिसके उपरांत ही उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी रोटी बनाने की। तो लेखिका द्वारा अन्य नान भाइयों के विषय में पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नान भाई अवश्य हैं और भी हैं रोटियाँ बनाने वाले, किंतु खानदानी नहीं है। जैसे हमारे परिवार की परंपरा रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रोटियाँ बनाने की एक रिवाज चला आ रहा है, तो इस तरह के नहीं है वो दूसरे जो और हैं रोटी बनाने वाले। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर उन्हें बताते हैं, गौरवान्वित माने घमंड से भरपूर होकर, बड़े गर्व की बात है कि हमारे खानदान से चला, खानदान में ये रिवाज चला आ रहा है, कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया। अपनी कहानी बता रहे हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुज़ुर्गों से कहा, जो उनके बूढ़े लोग होंगे, कि ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वह उसके विषय में नहीं बताते, ये नहीं बताया उन्होंने कि क्या। तो अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। जो खानदानी रोटी बनाकर बेचने वाला होता है वह कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे भड़क उठते हैं। उन्होंने कोई क्वेश्चन किया होगा तो वह उनको गुस्सा आ गया। लेखिका जब उनसे ये पूछती है कि उनके बुज़ुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम ना जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वे अंत में उसे खींच कर बोलते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें, और बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है जो आप इतनी पूछताछ कर रही हैं, और कहकर उसकी बातों को डाल देते हैं। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियाँ नसीरुद्दीन बब्बर मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश देते हैं। कोई बब्बर मियाँ उनके होंगे काम करने वाले, उनको कहते हैं भट्टी जलाओ। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वे कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत वे अपना विचार त्याग देती हैं, क्योंकि गुस्सा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, इसलिए आगे वो पूछने की हिम्मत ही न कर सकी और उनके कारीगरों के विषय में बातें करने लगती हैं। मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं, मजदूरी माने मजदूरी। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकर खानी, शीरमाल, ताफदान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। ये उनकी रोटियों के नाम हैं। वे तुन की रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे पापड़ से भी महीन होती है तुन की रोटी, लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के ज़माने जैसा खाना पकाने का शौक़ अब किसे है, कोई नहीं चाहता अब ये काम करना, ना तो लोगों को वह शौक़ है और ना उन चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। तो उन्होंने कहा कि हम बनाते तो ज़रूर हैं ये सब रोटियां, सारे नाम बताए उन्होंने, बाकर खानी, शीरमाल, ताव, दाल, खमीरी और एक तुन की रोटी बताई उन्होंने, बहुत महीन होती है।
लेकिन इन रोटियों को बनाने के पीछे क्या है कि अब लोग उनको पसंद नहीं करते हैं इतना, और आज के ज़माने में भारी और मोटी तंदूरी रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप बताइए क्या हम बनाएं और क्या किसी